बारामूला में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी, दो दहशतगर्द ढेर, AK-47 बरामद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराया गया है। कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकियों की शिनाख्त की जा रही है। उनके पास से एक AK-47 राइफल और एक पिस्तौल सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इससे पहले कल उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में LOC से सटे माछिल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की एक और साजिश को नाकाम करते हुए दो घुसपैठियों को मार गिराया है। बुधवार की सुबह मारे गए इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद समेत पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई है। सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई ऑपरेशन प्रहार के तहत की। सूत्रों के अनुसार घुसपैठियों के पास से नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। सेना की 15वीं कोर के प्रवक्ता कर्नल एमरॉन मौसवी ने बताया कि मछिल सेक्टर की तरफ आतंकवादी लंच पैड से संभावित घुसपैठ की SSP कुपवाड़ा ने विशिष्ट खुफिया जानकारी दी। इस पर सैनिकों को 1 मई से ही हाई अलर्ट पर रखा गया था। इस बीहड़ और अत्यंत दुर्गम क्षेत्र के लिए विशेष दल गठित किया गया था। सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि सेना और SOG के जवानों को घुसपैठ के संभावित मार्गों पर तैनात किया गया है। लगातार दो रात तक बारिश, खराब दृश्यता और तापमान में गिरावट के बावजूद जवान मोर्चे पर मुस्तैद रहे। 3 मई की सुबह करीब 8:30 बजे नियंत्रण रेखा के पास इस ओर सैनिक ने घुसपैठ करने वाले आतंकियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में जवानों ने दो दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकवादियों और संबंध आतंकी समूह की पहचान की जा रही है। यह सफल खुफिया इनपुट आधारित ऑपरेशन सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच घनिष्ठ तालमेल का एक और उदाहरण है।